तो फ्रेंड्स, इस साल का सबसे बड़ा सेल आने वाला है। जैसा कि आपको ये पता होगा कि ये आपको फ्लिपकार्ट में आपका बिग बिलियन डे और अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आने वाला है गाइज। तब क्या सोच रहे हो गाइज, अब ऐड कार्ट में जाकर ऐड करने का वक्त आ गया है। लेकिन वेट, ऐड करने से पहले रुक जाओ, मैं आपके पास कुछ यूनिक सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन लाया हूँ जो कि बेहद ही किफ़ायती, बेहद ही सस्ते रेट में आपको मिलने वाला है बिग बिलियन डे में। मेरा नाम है सहेंद्र, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये वीडियो मैं उनके लिए लाया हूँ जो सैमसंग को प्रिफर्ड करते हैं, जो सोचते हैं कि बजट में थोड़ा मिल जाए और फीचर्स भी आपको बेस्ट से बेस्ट मिले। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये तीनों ही फ़ोन जो मैंने सेलेक्ट किया है इसी साल लॉन्च की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज सैमसंग गैलेक्सी M14 की। इसकी प्राइस होने वाली है 8389। ये फ़ोन लॉन्च हुई है 6 मार्च 2024। इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 13 मिल जाती है। परफॉर्मेंस में आपको मिलती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 और सीपीयू आपको मिलती है ऑक्टा कोर 2.4 गीगा हैच क्वाड कोर प्लस 1.9 गीगा हैच क्वाड कोर के साथ। और इसमें आपको परफॉर्मेंस में रैम मिल जाती है 4GB की, 6.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है, साथ में आपको PLS LCD मिल जाती है। रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है 1080x2400 पिक्सल फुल HD के साथ। और रिफ्रेश रेट आपको मिलते हैं 90Hz का। डिज़ाइन में आपको हाइट मिल जाती है 168mm, वाइड मिल जाती है 77.mm का। और थिकनेस की बात करें तो थिकनेस आपको मिलती है 8.8mm का। और इसकी फ़ोन की वेट की बात करें तो फ़ोन आपको मिल जाता है 194 ग्राम्स का। वेरियंट में कलर आने वाली है अरेक्टिक ब्लू और शेफियर ब्लू। तो रियर कैमरा की बात करें गाइस, तो ये आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आती है, जिसमें कि आपको 50MP का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा मिलती है और मैक्रो कैमरा आपको मिलती है 2MP का, और यही आपको डेप्थ कैमरा मिलती है 2MP का। और ये मैं आपको गाइस फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो ये भी आपको 13MP का मिल जाता है। बहुत ही अच्छा कैमरा आपको मिलती है इस रेंज में, यानी कि आप मान लीजिए कि आपका जो बजट है ये कैमरा ही आपका मेकअप कर देती है। तो बैटरी 5000mAh की मिल जाती है, 25W फास्ट चार्जिंग विथ USB Type-C के साथ मिलती है। स्टोरेज की बात करें गाइस तो काफ़ी बेहतर मिलने वाली है, 64GB आपको इंटरनल मेमोरी मिल जाती है और साथ में आपको अप टू 1TB की एक्सपेंडेबल मिल जाती है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो ये आपको 4G में मिल जाएगी। सेंसर की बात करें तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाती है और मल्टीमीडिया में आपको लाउड स्पीकर मिलती है, साथ में आपको 3.5mm ऑडियो जैक मिलती है। तो अपने आप में ये बेहतर फ़ोन आपको इस रेंज में मिलने वाली है गाइस। तो हमारे पास दूसरे नंबर पे आती है सैमसंग गैलेक्सी F14। ऑफिशियली ये रिलीज़ की गई थी 2 अगस्त 2024 को और इसकी प्राइस की बात करें तो ये प्राइस आपको 8999 की आ जाती है। फिर इसकी बात करें गाइस तो ये आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 की मिलती है और इसमें आपको CPU की बात करें तो ये मिलती है आपको ऑक्टा कोर 2.4GHz क्वाड कोर प्लस 1.9GHz क्वाड कोर के साथ। रैम मिल जाती है आपको 4GB की और यही आपको डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपको मिलती है 6.7 इंचेस की, साथ में आपको मिलती है LPS LCD के। रिजोल्यूशन आपको मिलती है गाइस 1080x2400 फुल HD प्लस के साथ और यही रिफ्रेश रेट आपको मिल जाते हैं 90Hz की। डिज़ाइन की बात करें गाइस तो इसमें आपको हाइट मिलते हैं 168mm की, वाइड मिल जाती है आपको 77.8mm की और थिकनेस की बात करें तो थिकनेस आपको मिलती है 8.8mm की। फोन की वेट की बात करें तो ये आपको 194 ग्राम्स की मिलती है गाइस। कलर मिलती है आपको मून लाइट सिल्वर और पेपर मिंट ग्रीन की। रियर कैमरा की बात करें गाइस तो इसमें भी आपको बेहतर होने वाला है, ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ही आ रही है 50MP वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा के साथ, साथ में आपको डेप्थ कैमरा मिलती है 2MP की और माइक्रो कैमरा मिलती है आपको 2MP की। और फ्रंट कैमरा की इस बात करें तो ये भी आपको 13MP भी होने वाली है फ्रंट, तो बहुत ही अच्छे रेंज में आपको बहुत ही कैमरा बहुत ही बेहतर मिलता है। और यही आपको बात करें बैटरी की तो बैटरी भी आपको मिलता है 5000mAh की 25W फास्ट चार्जिंग के साथ और USB Type-C के साथ। इंटरनल मेमोरी 64GB की, एक्सपेंडल आपको मिल जाती है अप टू 1TB की। मल्टीमीडिया की बात करें तो आपको मिलते हैं लाउड स्पीकर, ऑडियो जैक मिलती है आपको 3.5mm की। सेंसर की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है। तीसरे नंबर पर आती है गाइस सैमसंग गैलेक्सी A06। ऑफिशियली ये रिलीज़ की गई थी 2 सितंबर 2024 को। ये फ़ोन आपको एंड्रॉयड वर्जन 14 के साथ आती है। तो गाइस बात करते हैं परफॉर्मेंस की, इसमें आपको मीडियाटेक हेलियो Z85 मिलती है, CPU आपको मिल जाती है ऑक्टा कोर 2GHz ड्यूल कोर प्लस 1.8GHz हेक्सा कोर के साथ। रैम मिलती है आपको 4GB की। डिस्प्ले की बात करें तो ये आपको मिलती है 6.7 इंचेस की
PLS LCD के साथ। रेजोल्यूशन की बात करें तो ये आपको मिलती है 720x1600 PX HD Plus के साथ, 60Hz रिफ्रेश रेट मिलती है आपको। रियर कैमरा की बात करेंगे आज तो ये आपको मिलती है ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें कि आपको 50MP वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा मिलती है, डेप्थ कैमरा मिलती है आपको 2MP की, साथ में आपको मिलती है वीडियो रिकॉर्डिंग फुल HD 60fps की। फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये आपको 8MP की मिल जाती है। 5000mAh की बैटरी होने वाली है, साथ में आपको 25W की फास्ट चार्जिंग मिलती है USB Type-C के साथ। इंटरनल मेमोरी मिलती है आपको 64GB की, साथ में आपको एक्सपेंडेबल मिलती है अप टू 1TB की। डिज़ाइन की बात करते हैं गाइस तो इसमें आपको मिलती है हाइट 167.3mm की, वाइड मिल जाती है 77.3mm की और थिकनेस मिलती है आपको 8mm की। कलर आपको मिलती है ब्लैक, गोल्ड, लाइट ब्लू। मल्टीमीडिया में आपको मिल जाती है लाउड स्पीकर, ऑडियो जैक 3.5mm के, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।